हर समत से तूफान की आमद की है खबरें। अब मान लो हम लोग गुनहगार बहुत हैं। जब आसमान धरती पर उतर आए तो क्या होता है, क्योंकि थाई भाषा में अम्फान का मतलब आसमान होता है, लेकिन यह आसमान उठा था महासागर से तूफान बनकर। 15 मई को विशाखापट्टनम से 900 किलोमीटर दूर दक्षिणी बंगाल की खाड़ी में हुई थी पैदाइश अम्फान की। दो दिन बाद 17 मई को पश्चिम बंगाल के तीघा से 1000 किलोमीटर था अम्फान, जब यह बदल गया साइक्लोन में। उसके अगले दिन और ताकत जुटाई हवाओं ने और यह साइक्लोन बदल गया सुपर साइक्लोन में। 20 मई को मौसम मापने के महकमे ने कहा यह बेहद खतरनाक तूफान साबित हो सकता है, और जब शाम को अम्फान ओडिशा पश्चिम बंगाल से होकर गुजरा तो कई जिंदगियां साथ ले गया, जो अब आंकड़ों जैसी इंसेस्टिव शय में बयान होंगी। ताकत की रसीद के तौर पर पीछे छोड़ गया तबाही का मंजर, जड़ से उखाड़कर बरसों पुराने पेड़ सड़कों पर छोड़ गया अम्फान। पश्चिम बंगाल के दीघा और हतिया के बीच सबसे पहले टकराया ये चक्रवाती तूफान। मकान ध्वस्त हुए, समंदर की लहरें हुंकारने लगी ऊपर उठ उठ के, जैसे रथ में बंधे घोड़े हों आगे बढ़ने को आतुर, कोई सारथी ना हो तो पलट आए समंदर शहर पर। हवाएं इतनी तेज चलने लगी थीं कि कोई सवार होता तो एक्सप्रेस ट्रेन से पहले पहुंच जाता। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कई जिलों में बचाव और राहत की कोशिशें जारी हैं। मौसम का दफ्तर बता रहा है कि ऐसा खतरनाक तूफान 21 सालों बाद टकराया है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से। नुकसान के बही खाते में कैसे दर्ज होगी वो 12 साल की बच्ची जो उस उड़ती हुई टिन की छत से घायल होकर मारी गई, जिसमें वो रोज पढ़ने जाती थी। समंदर की छटपटाहट लिख चुकी 20 मई की शाम ऐसी दर्जनों कहानियां, जिन्हें पढ़ने में समय लगेगा। अगर आप भी तस्वीर सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो tasveer.lallantop@gmail.com पर अपनी हाई रिस तस्वीरें भेजें। तस्वीरों के साथ चाहें तो अपने लिखे शब्द या कोई कविता भी भेज सकते हैं। आपकी भेजी गई तस्वीरों की थीम कॉमन होगी तो उसके तस्वीर में दिखने की संभावना अधिक होगी।